पटेल कौन है और ये वाटर फिल्टर किसका है? मेरा। पर नेताजी, मैं मिला हुआ नहीं उन लोगों के साथ। ये दोनों मिलकर ही लीलाएं कर रही हैं और सबको मूर्ख बना रखा है। नहीं, झूठी बात। हमें इस बारे में कई खबर न थी। मिला बहन, झूठ मत बोलिए। देखो, बात को घुमाओ मत, हमें सच सच बताओ, ये सारा चक्कर क्या है? हमें नहीं पता। अरे कोई पुलिस बुला, बोले। हाँ, पुलिस को बुलाओ। दोषी भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारा खेल मेरी बहू का रचा हुआ है। फई, शट अप। तू शट अप। तू सच बोलू छू, किसी ने मुझे बोला था ऐसा ऐसा करने को। फई, झूठ बोल रही है फई। कितनी बड़ी छूटी है, ये सारी कलाकारी आप ही की तो थी। मैंने आपसे कितना कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। आप सबके सामने मुझे फंसा रही हैं। आप बताइए, वो कुत्ता कौन लाया था? आप। और पानी का लाल रंग किसने किया? आपने। भूल गई आप? नीतू, हाँ, अब हाथ ऊपर उठाड़ी ने बेसी ने बधाने आशीर्वाद आपती थी। डूबते को किनारे तक ले जाने वाली, अने हवे डूब गई ना मछधार में। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सही, मैंने बोला था ना आपको, मैंने कहा था ना कि आप ये सब मत कीजिए। अब देख रहे हैं सब क्या हो रहा है। कुछ भी करके मुझे इन लोगों से बचा दे। नहीं धवल जी, मुझे बचा लीजिए प्लीज। नहीं, मुझे धवल जी, मुझे बचाइए। मैं इन दोनों की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। देखिए, गलती तो इंसान से ही होती है ना, इन लोगों से भी हो गई। आप लोग इन्हें माफ कर दीजिए। आप लोगों ने जो भी पैसा दिया है वो मैं पाई पाई चुका दूंगा, पर आप इन दोनों को माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। दीदी, 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 हाँ डॉक्टर साहब, हाँ अनीता काफी पहले से ठीक है। दवाई, हाँ वो दवाई भी टाइम पे ले रही जी। हाँ, हम उसका पूरा ख्याल रखते जी। हाँ ठीक है डॉक्टर। अहम, एक मिनट। अहम, तुम अपना रुमाल टेबल पर भूल आए थे, लो। थैंक यू। हेलो, हाँ किंजल, क्या मैं अभी आता। अहम, क्या बात है, क्या कहा किंजल ने? माँ, किंजल और उर्मिला जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये कृष्ण भगवान। माँ, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा। अहम, तुम अकेले नहीं जाओगे,
मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक। गोपी बहू, अगर कोई पूछे कि मैं कहाँ गई हूँ तो बता देना, जरूरी काम से मुझे जाना पड़ रहा है। समझी गया तुम्हें? चले। अब तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? ये सब तेरी वजह से हुआ है। जाके हमें कैसे भी करके छुड़ा, जा। इंस्पेक्टर साहब, देखिए अब तो इन लोगों की बेल करवा दीजिए। बेचारे कितनी देर से जेल के अंदर बंद हैं, कितनी बार माफी भी मांग चुके हैं आपसे। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ और इस बात का वादा करता हूँ कि हम सब लोगों के पैसे लौटा देंगे। इंस्पेक्टर साहब अब छोड़ दीजिए ना, हो गया। हम तो बस दान धर्म का काम कर रहे थे। चुप। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप बोली जा रही है? भाई मैं बात कर रहा हूँ ना, एक सेकंड। इंस्पेक्टर साहब, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सॉरी। विवान जी, मने खबर हती आप जरूर आएगी। जो तुम्हारी दिकरी ना कारनामा। बैठी। हाँ बैठी। सर मैं इनकी बेल के लिए। वो सासुमा मैंने इन लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की पर समझा नहीं पाया। और फूफा जी भी शहर में नहीं है, वरना वो होते तो हम दोनों मिलके ये सब होने ही नहीं देते। मुझे माफ कर दीजिए सासुमा। धवल जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? उर्मिला बेन और किंजल दोनों की गिरफ्तारी हुई है तो बिल्कुल ठीक ही हुआ है, क्योंकि इन दोनों ने जो अपराध किए हैं उसके लिए इनको सजा मिलनी ही चाहिए। हवलदार छोड़ दीजिए इन्हें। जवाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रहम भाई, थैंक यू। बॉम्ब चले? एक मिनट, ये मत समझना कि आप लोग यहां से इतने आसानी से निकल जाओगे। आप लोगों ने इस कागज पर साइन किया है, जिन जिन लोगों को धोखा देकर तुम लोगों ने पैसा जमा किया है उन सबको तुम लोगों को पैसा देना पड़ेगा। अगर मुझे इस बारे में खबर मिली कि बाहर जाकर कोई और गुल खिला रहे हो तो आप हवालात में लंबी खातिरदारी करवा नहीं आना, समझे? अब जा सकते हैं। विवान जी, मेहरबानी की है तो एक और मेहरबानी भी कर दीजिए, हमको कहीं रास्ते में छोड़ दीजिए।
भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे अब इसमें मैंने गलत क्या कहा? मैं अपने लिए थोड़ी ना कहती हूँ, अब किंजल दीदी को आदत नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब धवल जा जाके रिक्शा ले आ। नहीं, शर्म नहीं आती आप दोनों को? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप, उर्मिला बेन, आप और किंजल, नहीं किंजल दीदी जब मोदी भवन में राशि की आंखों को ठीक करने के लिए पधारी थी ना, उसी वक्त मैं आप दोनों के इस नाटक की असली कहानी समझ चुकी थी।